मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को मामले से जुड़े सारे केस हाथ में लेने के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया है। हालांकि कोर्ट ने अभी इस विषय में कोई फैसला नहीं लिया है कि जांच एजेंसी की निगरानी कौन करेगा। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की निगरानी को लेकर 24 अगस्त को निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मामले में तीन ही विकल्पों पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें प्रमुख रहेंगी जांच एजेंसी की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सौंपेगा या फिर सीबीआई को स्वतंत्र रूप से जांच करने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हाई कोर्ट को भी फैसले का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को मामले से जुड़े सारे केस हाथ में लेने के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया है। विदित हो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक व्यापम मामले की निगरानी को लेकर जमानतों पर भी सुनवाई फिलहाल टाल दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने व्यापम मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सीबीआई अब तक इस मामले में कुल 19 मौतों को जांच के दायरे में ले चुकी है, जिसमें पत्रकार अक्षय सिंह की मौत भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।